लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे पॉइंट नंबर टू आता है कि यार छोटी सिटीज में ना लोग बहुत परेशान करते हैं जब आप फैशन करते हो तो उसको कैसे टैकल करना है सबसे पहले हम टैकल करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बड़े लोग जो हैं हमारे पेरेंट्स तो मेरी तरफ से तो हमेशा ये सजेशन रहेगा की सब, सबसे ज्यादा दिक्कत पेरेंट्स को होती है आपके एक्सेसरीज से अगर आप रिंग्स ब्रेसलेट और ईयर वगैरह भी पहनने की सोचोगे तो आपके पेरेंट्स डेफिनेटली आपकी मार के रख देंगे मेरी मॉम अभी भी मुझे परेशान करती है कि भाई तू ईरिंग्स क्यों पहन रहा है वगैरह वगैरह तो उसके लिए एक तरीका बेस्ट ये है कि जब आप जहाँ भी जा रहे हो उससे पहले तैयार हो रहे हो तो अपनी सारी एक्सेसरीज ना अपनी जेब में भर लो घर के अंदर कुछ भी मत पहनो जब आप घर से बाहर निकल जाओगे जब रास्ते में होगे कहीं जाने के तो या या फिर रास्ते में या फिर वहां पहुंच के सबसे पहले फटाक से वॉशरूम भाग जाओ और वॉशरूम के अंदर जो भी रिंग रिंग आपको पहननी है वो पहन लो और अगर आपके मॉम डैड तब भी ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये कन के जा रहा है ये कैसे कपड़े हैं तो उनको इंस्टाग्राम खोल के दिखा दो यार सोशल मीडिया की यही तो पावर है आप उनको खोल के दिखाओ कि आजकल देखो सारे इतने इतने ज्यादा फॉलोअर्स वाले लोग यही पहनते हैं तो उनको दिखाओ कि भाई यही फैशन चल रहा है और मेरी एज में यही चलता है अब लेकिन यहाँ पे आपको इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि अगर आपके माँ बाप ही आपको किसी समझ लो फैमिली इवेंट पे लेके जाते हैं या फिर साथ में डिनर करवाने लेके जाते हैं तब मेरे हिसाब से आप अपनी मनमानी नहीं कर पाओगे तब आपको वैसे ही स्मार्ट सा बच्चा बन के जाना है वो एकदम स्लिम फेट शर्ट वगैरह पहन के जैसा वो चाहते हैं तो इतना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एक बैलेंस है कि आप कुछ टाइम उनकी बात मान रहे हो कुछ टाइम अपनी चला रहे हो और यार ये ना आपको अपने मोम डैड से कभी ना कभी बात करनी पड़ेगी कि उनको बताओ कि आपकी जैसी एज है बहुत ज़रूरी है कि आप कूल चीज़ें इन्जॉय करो और कूल बनो और बहुत फन करो और आप ऐसा तो है नहीं कि आप पैसे वेस्ट कर रहे हो आप एकदम अफोर्डेबल वाली चीज़ें मंगवा रहे हो जिसमें बेस्ट क्वालिटी मिलती है एकदम एंड उनको उनको हमारा चैनल भी दिखा उनको भी दिखाओ यार सब्सक्राइब करवा दो तो हो गए अब बात आती है कि आप बाहर जब निकलते हो तो कोई अंकल आंटी आपको देख के जज कर रहे होते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा होता है ऐसे तो घूर घूर के जज करते हैं एकदम तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ही बाहर निकले हो उनके साथ ही हो तो एनर्जाइज फील करो कि आप सब एक साथ हो अंकल आंटी जो करते हैं वो आपको करने देना चाहिए उसका सिर्फ एक रीजन है कि वो आपकी ऑडियंस ही नहीं तो सब्सक्राइब टू बी ऑर बेस्ट क्लिप्स एंड बी ऑर बेस्ट मेन चैनल